व्यूअर्स, हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है हैप्पी विलेज लाइफ को। सिस्टर मैं आपसे माजरा चाहता हूँ। क्या शर्त लाई है? तो आकर के नहीं है, नहीं तो आकर के शर्त नहीं जिन्नी मारी बात सालगिरह है तो मैंने उसकी पसंद की ना नमकीन सेवी बनाने लगी हूँ। ये सेवियों का एक पैकेट मंगवाया मैंने, ये आलू है और सफेद मिर्च। हमारा जी शाम का लोग स्टार्ट हो गया, दोपहर कोई घर आया हुआ था, आराम कर रहा था, तकलीफ हो रही थी काफी सारी। हाँ जी, काफी दिनों से ना दालें खा खा के बोर हो गए थे और है ना और प्याज अंडे कभी पका रहे थे कभी दालें खा रहे थे, मैं बोर हो गई थी दालें खा खा के। मैंने कहा मम्मा आज नहीं खानी अच्छी लगती, इतनी इतनी बार हमने दालें बनाई हैं, इतनी बार हमने प्याज वाले बनाए हैं। मैंने कहा बाबा आए तो फिर बाबा ने सब्जी ला के दी हमें। मम्मा बर्ड भी छिड़ रही है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। सब्जी जी हम ले आए हैं और ना इतनी महंगी हैं सब्जियाँ, 200 रुपए से ना कोई पीछे नहीं है सब्जी, और है ना 200 रुपए की सब सब्जी है, और है ना हम ये 200 1 किलो और भी ले गए हैं 200 रुपए की। वो कह रहा था बाबा ने पहले ना वो पूछे उसे क्या कहता गोभी, गोभी पूछी, वो कह रहा था गोभी 200 रुपए किलो है। मैं तो फिर बाबा कहते हैं अभी ले लें ना ही, फिर मैंने कहा ठीक है बाबा ले लें। महंगाई इतनी बढ़ गई है और ये जो सी अरबी होती है ना वो सब चीज़ें 200 रुपए से कोई कम चीज़ नहीं है। सलीम का फ़ोन आ गया और भाई रजवान का भी, आप दुकान पे आए, उन्होंने कोई मखंडी हलवा बनवाया। काफ़ी देर की वो चल रही थी उनकी बहस आपस में, वो कहता था तूने बनवाना, वो कहता तूने बनवाया, बस बनवा के लाए तो मैं जा रहा हूँ इसलिए दुकान पे, वहाँ पे खाना है जी मखंडी हलवा में। आपने हमारे साथ रहना, आपको भी हम दिखाएंगे। हाँ जी, क्या लेके आई हो? सेवियाँ लेके आई हो? बारीक लेके आई हो? चलो ले जाए। तुम्हारी मम्मा कहती नमकीन बनानी थी। आज ऐसा चांस बना है कि आज मेरी बड़ी बेटी की सालगिरह है, आज 7 अगस्त है, तो मैंने अभी तक उसको विश नहीं किया क्योंकि मेरे में कुछ नहीं था। पहला चांस है कि जेब में कुछ नहीं है और बेटी की सालगिरह है, तो मैं अब फिर दुकान पर जा रहा हूँ, देखता हूँ हम आ रहे हैं काम किया तो उसको तो चाटूँगा इंशाल्लाह। जी ये आप ही की सालगिरह के लिए सेवियाँ बना रहे हैं, बस सेवियाँ बना के उसको खिलाएँगे तो सालगिरह मना लेंगे आप ही की। 100 रुपये का पैकेट देख लें, मोटी सेवी का पैकेट ले आएँ। आज जी मेरी बड़ी बेटी की सालगिरह है तो मेरे पास और तो कुछ नहीं था, इतनी फुर्सत नहीं थी केक शेक ये वो कोई चीज़ लेके दे सकूं, तो मैंने उसकी पसंद की ना नमकीन सेवी बनाने लगी हूँ। ये सेवियों का एक पैकेट मंगवाया मैंने, ये आलू है और सफेद मिर्च है, ये कदर टमाटर है, उसको नमकीन सेवी बहुत पसंद है, तो ये प्याज उन्हें डाल दिए। इसकी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ, बहुत मज़े की बनती है, कभी कभी हम बनाते हैं ज़्यादा, कोई और कोई नहीं खाता, वो ही शौक से खाती है या मैं खा लेती हूँ, साहब भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, फिर वो खाती है, इसलिए मैं उसकी पसंद की ना सेवियाँ बना रही हूँ। इधर ये आलू मैंने घी मैंने डाला और प्याज डाला, तो इधर वो सालन बना रही है आपकी, अरबी का सालन बना रहे हैं, अरबी ये रखी है हमारी, ये अरबी है, कुछ आलू है तो अरबी में कुछ आलू डालेंगे, कुछ है अरबी डालेंगे, सालन बनाएंगे हम। प्याज मेरे प्याज ज़्यादा कुछ ब्राउन हो गए हैं, हल्के ब्राउन कर दे कैमरे के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में प्याज मेरे थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी मसाला। मसाला मेरे पास सुरख मिर्च है, हल्दी है और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च है, तो ये डालूँगी, अच्छी तरह बुनाई करूँगी, नमक उबाइल करें, नमक डालूँगी, फिर बस सब्जियाँ डालूँगी जो होंगी, ये 1 चम्मच नमक की डाल दी, आप भी नमक डाल लें। चलिए ये जी मसाला मैंने डाल दिया, अच्छी तरह बनाई करूँगी, अब टमाटर डालूँगी, ये टमाटर मेरे पास पड़ा है एक काट के रखे, ये डालूँगी, अगर जल टमाटर गल जाएगा तो फिर आलू और जो मिर्चें काट के रखी थी वो डालूंगी।
व्यूवर्स, हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं हैप्पी विलेज लाइफ, उनके अब्बू जान वफात पा चुके हैं। आप सब बहन भाई भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी बेहसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए, आमीन। तो सिस्टर, मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, क्योंकि एक तो बारिशें हो रही हैं, लाइव नहीं होती, दूसरा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, वीडियो मनाहल ने देखी थी, उसको पता नहीं चला, तो उसने लिख दिया वेरी नाइस, उसको और तो कुछ लिखना नहीं आता, उसने वेरी नाइस लिख दिया, छोटी है उसको नहीं पता भी क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था, तो मैं इसलिए माजरा चाहता हूँ आपसे। तो वीडियो में मैं माजरा कर रहा हूँ कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके अब्बू को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सलीम भाई, अरे दोबारे, अच्छा जी, अरे दोबारे कहीं जाना जी। हाँ जी रिजवान भाई, आपके दिल की मुराद पूरी हो गई, मखंडी हलवा पाने गया फिर है। आप ही बनवा लिया है वा? सादा जब बनवा लिया, वो काजू तो बादाम तो पिस्ते तो कोई शह नहीं। अच्छा चलो जी, यही बड़ा जी, अल्लाह जी का खाना कबूल फरमावे। बेटा ताला मार गया दुकान, ताला मार गया दुकान, आ जाएगा आ जाएगा, जा ताला मार गया। देखो जी असल में खाना नहीं ना, चल थोड़ा बहुत खा लें, थोड़ा बहुत खा लें, आ जा जा ताला ला गया, हमार ताला लगा के बेटा दुकान को। लो जी मखंडी हलवा बन के आया पाया जी, तो मुजम्मल भाई देखे देश का रखता मौलवी साहब, खत्म दियो जी मौलवी साहब, दुआ मंगो यार अल्लाह ताला दी रोजी बरकत पावे जी। जरा सलीम भाई खिलवा रहे ने हलवा, अल्लाह ताला रिज़्क विच रोजी विच बरकत पावे जी। चीज वांड होंदी पई, खा खा कोई आया काम शाम वाला, बस वही 50 रुपए का जो किया था सुबह। चलो नमाज का टाइम हो गया जी, मैंने आलू और मिर्ची डाल दिए, थोड़ा पानी डाला है, आलू और मिर्ची डाल दिए मैंने, तो अब थोड़ी सी गल जाएंगी तो फिर मैं इसको सेवी बुनाई करके सेवी है, तो फिर मैं इसमें सेवी सेवी डाल दूँगी। अभी मम्मा इसमें डालने लगे सेवियाँ, देखो मसाला हमारा सर देखिए भुन गया है, ये छोड़ दिया इसे अच्छी तरह, और मैं इसमें डालूँगी सेवियाँ, फिर इसमें डाल दूँगी, तो थोड़ी सी बुनाई करूँगी इसकी, फिर इसमें पानी डाल दूँगी। ये बन गया आलू की सेवियां, आलू की सेवियां मम्मा, ये बन गया आलू वाली, आलू वाली, इसमें पानी डाल दिया, और पानी नहीं बस, मां दम पर लगाना इसे। हां अब दम देगी मम्मा इसे, इसी और दो। ये देखिए जी हमारी माशाल्लाह सेवियां, देखिए जी माशाल्लाह हमारी सेवियाँ पक के तैयार हो गई हैं, ये देखिए जी कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त बनी है,
काफ़ी अरसा हो गया मैंने बनाई थी, पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया इसमें, इसलिए ऐसे ही मज़े की बहुत है। तैयार हो गई है, बताया आपको आज हम नैनू की सेवियां बनाई हैं, बहुत मज़े की बनी है। हाँ जी मेरी प्यारी बेटी बड़ी बेटी आपी की जी है सालगिरह, बेटा आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे, पहली बार ऐसे हुआ जी तो मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, तो मैं दुआ करते हैं अल्लाह ताला बेटी को नसीब अच्छे करे, दुआ दे दुआ से बल्कि और कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ताला अपनी सभी बेटियों को नसीब अच्छे करना, अच्छी जोड़ियाँ बनाना, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पापा की वो है जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ना दे, अल्लाह ताला आमीन आमीन। बाद में ये कौन मिले आज बेटा आप भी आ रहे हैं, मैनू प्यास बथेरी लगी हूँ, मैं पानी पीऊंगी, मैं जी कूलर को पहुंच गई है, मैं गिलास चुकया वा, मैं पानी पीऊंगी। अज मैं आपी ने कहा मुझे पंखा चला दो, मैंने कहा ठीक है आपी, मैंने जी पंखा चला दिया ऊपर वाला छत वाला, अभी मैं ऊपर जाऊंगी, ऊपर का भी आपको व्यू दिखाती हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर का भी व्यू आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और सूरज भी रूब हो गया, आपका बाहर का व्यू, मैं ऊपर पहुँच गई, अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। ये देखें जी अभी हमारी छत की लिखी है ना, और है ना ये बाहर का व्यू हमारा, मौसम मौसम बहुत सुहाना है आज, हमारे हरे भरे खेत हमारे नहीं किसी और के हैं, पहले ना हम छत ऊपर जाते ना इतने हरे भरे खेत रहते, ठंडी हवा लगती है, मैं बाहर का व्यू देखें कितना इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊँ आपको, चारपाई भी इधर गड़ाई हुई है, अब मैं बैठूँगी चारपाई ऊपर, हमारे फ्लावर तो मैंने आपको बताया नहीं, हाँ मम्मा को भी बता के आती हूँ, ये तो हमारा बैंगन का पौधा बहुत सूख गया, बारिश हुई है तभी सूख गया है ना, ये हमारे पुदीना कुछ है, पुदीना भी नहीं आजकल नज़र आ रहा, बीच में पुदीना ही हमारा सारा सर गया है, और है ना फूलों की कलियाँ लगी हैं, नहीं आज वो भी सर रही है, ये देखिए कैसे पत्ते पत्ते देखिए कैसे हो गए हैं इसके, इधर चिड़िया बैठी नहा के आई है, ये भी नहा के आई है, दो चिड़ियाँ इधर बैठी हुई हैं हमारे घर की छत पर, कितनी प्यारी हैं, बहुत सुंदर चिड़ियाँ हैं होती हैं ये वाली, मुझे बहुत पसंद है ऐसे की चिड़ियाँ, और हमारी है ना इधर कुछ चिड़ियाँ हैं, उन लोगों ने ना घोंसला बनाया हुआ है ना, इधर है ना इधर इधर है ना नीचे जो उनसे बैठक है ना उसमें उस डास्टों में अभी चली गई हैं, कितनी प्यारी सी, पर मैं आपको पौधे के बारे में बता रही थी, पौधे हमारे बहुत सूख गए, और आज उन्होंने कोई कली निकाली है, छोटी सी कली निकाली है इसने, कहाँ गई ये छोटी सी कली निकाली, पत्ते सूख गए आधे,
और इधर हमारी पीढ़ी भी टूट गई है जो सी मेरी पीढ़ी थी। और है ना ये ना जो से ये वाला होता है ना ये भी हमारा इधर सामान पड़ा है, टैलें वगैरह पड़ी हैं जो सी घर की बच्चे थी। और है ना टैल थोड़ी सी पड़ी है पुरानी हमारी थी कुछ है ना ये पड़ी हैं ये हमारा सी वो है ना गर्म पानी वाला। और ये देखे नहीं मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है इतना नीट हुआ है आपको क्या बताऊँ। आप मम्मा से पारा पर ये मैंने आपको बताया होगा वो दिन। अब मैं मम्मा को बताने जा रही हूँ। मम्मा आपका पौधा तो वो सूख ही गया बैंगन का वो भी अब मम्मा को दिखा रही पौधा ने छोटी सी कली निकाली है इधर है ना इतनी प्यारी है ये देख पौधा शाम हो गई अब मैं मक्खन बोल और मरे मुर्गे भी जरा सामने आ चुके हैं कट्टो शेर खान। जब मगरब होती है ना इनको घर आने का याद होता है हमने घर जाना है अपने हमने भी अपने वंडर हाउस में जाना है दो तीन वंडर हाउस में जाना है तो इनको अपना याद आप खुद आ जाता है कहते हैं हम घर के पास पहले ही पहुंच जाएं आप ही हमें लेने ना आए है तो ये पहले ही घर के पास मेड में पहुँची होती है। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं जल्दी जल्दी आने अंदर आने की कोशिश करते हैं हम मगरब टाइम इनको अंदर लेके आते हैं इन मुर्गे को। और है ना ये देखें शेर खान की कैसे छलांग लगाई है लड़का चक्कर लगाने जा रहे हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना मैं उधर मैंने कहा थोड़ा चक्कर लगाया हूँ। उधर मोहम्मद और हुडैन खड़े हैं उस जगह पर खड़े हैं मैं जा रही हूँ बाहर और सोया जी बजी कहाँ जा रही हो है सही ये देखें मेरे पीछे पीछे आ रही है ये जैन लोग भी आए हुए हैं और नूरुद्दीन है साथ में अच्छे देखें जी मुर्गियों के काम आज हमारी गंदी मुर्गियों का काम गड्डी बड़ी उड़ गई अब जमीन को घर लेके जाऊंगी।